इन फेमस कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स को बनने के बाद भी क्यों रिलीज नहीं किया गया? इस लड़के को ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि ये स्कूल हेलीकॉप्टर लेके आ गया? और इस इमेज को ध्यान से देखो, इसकी सच्चाई जानने के बाद आपको खुद से ही डर लगने लगेगा। और भाई ये फ्यूचर में आने वाली चीजें देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो वीडियो को तीन गिनने तक लाइक कर दो, 1, 2, 3। आपने लाइक कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17। अभी 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जिस वजह से हर जगह पर फेयरवेल चल रहे हैं। जयपुर का स्टूडेंट तो सीधा हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गया था। हाँ भाई, बस फेयरवेल के लिए इस बंदे ने हेलीकॉप्टर बुक करवाया था और वही से एंट्री ली। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये काम करने में इसके घर वालों ने हाँ कैसे बोल दिया। नंबर 16। आप अगर कभी भी किसी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ट्रिप पर जाने वाले हो जिसे आपको याद रखना है, तो अपने साथ हमेशा एक परफ्यूम कैरी करना जो कि आपके रेगुलर परफ्यूम से अलग हो, और फिर उस पूरे ट्रिप में आप उस परफ्यूम को यूज करना। इसके बाद जब भी आप उस परफ्यूम को फिर से स्मेल करोगे तो आपको अपनी ट्रिक याद आएगी। आपको इस पर शायद बिलीव ना हो, लेकिन हमारी स्मेल का हमारी मेमोरी पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। नंबर 15। इंसानों के फिक्स तो आपको पता ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कुत्तों के भी फिक्स आते हैं? और ये चीज जापान में तो बहुत पॉपुलर है। माना जापान में वियर्ड चीजें पॉपुलर होते हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वहाँ पर कुत्तों की फिक्स इतनी पॉपुलर है। इसे हर कोई खरीदता है अपने पेट के लिए, और ये अलग अलग वेरिएशन में भी आते हैं अलग अलग कुत्तों के लिए। और हाँ, फिर कई लोग इन्हें स्टाइलिश के पास बाल कटवाने भी लेकर जाते हैं। नंबर 14। एक बार इस आदमी को देखो, ये आदमी फ्लाइट में 6 घंटे तक खड़ा रहा क्योंकि इसकी जो वाइफ है ये थोड़े पैर फैलाकर सोना चाहती थी क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं थी, ऐसा कुछ मीडिया वालों का कहना है। और इसीलिए ये आदमी 6 घंटे तक वही खड़ा रहा, और इस चीज ने कई लोगों का दिल मेल्ट कर दिया था। नंबर 13। कई स्टडीज में पता चला है कि जो परिवार टीवी के बिना साथ में बैठकर खाना खाते हैं वो ज्यादा हेल्दी रहते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, और यहाँ तक कि उनका फैमिली बॉन्ड भी काफी अच्छा बना रहता है। तो इसी बात पे टीवी बंद करो और चुपचाप अपने मम्मी डैडी के साथ खाना स्टार्ट कर दो, तब आप देखोगे कि आपके हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। नंबर 12। गार्ड डॉग्स तो आपने कई बार सुना है, पर क्या कभी आपने गार्ड क्रोकोडाइल के बारे में सुना है? चाइना में एक टाइम पर लोग अपने घर में ही क्रोकोडाइल रखा करते थे कुत्तों की तरह, जो कि उनके घर को प्रोटेक्ट करते थे। इन्हें एक डिसेंट साइज पॉन्ड में रखा जाता था ताकि ये साइज में ज्यादा बड़े ना हो और ज्यादा छोटे भी ना हो। क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है जो कि छोटी एरिया में रखने पर ज्यादा ग्रो नहीं होता, यानी कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा ग्रो नहीं होती, और इसलिए इन्हें गार्ड की तरह रखा जाता है, लेकिन ये फिर भी उतनी ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 11। हमारे सामने हाथी आ जाता है फिर भी हमें लगता है कि ये भाई कितना बड़ा है, लेकिन आज तक धरती पर चलने वाला सबसे बड़े डायनासोर की बात करें तो वो है ब्रैंकियोसॉरस। इसकी हाइट की बात करें तो ये 12 मीटर लंबा था और 23 मीटर चौड़ा था, और इस साइज को मेंटेन करने के लिए ये डेली 400 किलो खाना खाता था। और आप देख सकते हो, अगर इसे एलिफेंट के बाजू में कंपेयर करें तो ये कितना ज्यादा बड़ा है। नंबर 10। एक बार इस बियर की बॉटल को देखो, आपको इसमें कुछ अलग नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये पानी के अंदर पड़ी एक बॉटल ही तो है, लेकिन एक्चुअली में ये अर्थ पर मौजूद सबसे डीपेस्ट पॉइंट में से एक है, 35,000 फीट नीचे, और यहाँ पर इंसानों का बनाया कचरा मौजूद है। तो आप सोच सकते हो हमने इस प्लेनेट को कितना नुकसान पहुंचाया है कि इतने पानी की गहराई में भी हमें बियर्स की बॉटल मिल रही है। आपको नहीं लगता होगा हमें खुद से डरना चाहिए भी? नंबर 9। पेड़ों से आप ये चीज सीख सकते हो, पेड़ों को भी पता है कि उन्हें भी लॉस झेलना पड़ सकता है। आप देख सकते हो लगभग सारे ट्रीज को एक ना एक सीजन पर झड़ना पड़ता है या फ्रूट्स बेयर करने पड़ते हैं, लेकिन इसको भी पता है ये बस एक सीजन तक ही चलने वाला है, उसके बाद फिर से इनकी ग्रोथ होगी। बिल्कुल वैसे ही कितना भी लॉस झेलने के बाद आप हमेशा वापस ग्रो कर सकते हो। नंबर 8। चेन्नई के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपए की न्यू रोल्स रॉयस स्पेक्टर खरीदी, लेकिन जब इसका डिलीवरी का टाइम आया तो उसे लेने के लिए ये लोग चप्पल पहन कर गए थे और एकदम नॉर्मल कपड़े पहन कर गए थे। जब ये फोटो इंटरनेट पर आए तो सब लोग कहने लगे कि इनका स्वैग एकदम असली है, क्योंकि इन्हें इस चीज की नहीं पड़ी कि ये कितनी महंगी कार खरीद रहे हैं, बल्कि ये तो अपने कंफर्ट में जा रहे हैं जैसे कि इनके लिए कोई बड़ी बात ना हो। नंबर 7। ये जो डियर है ये बचपन से अंधा है और इस वजह से इसे खाना ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ये मुश्किल से सरवाइव कर रहा था, लेकिन फिर ये 10 साल का बच्चा आया जो कि डेली सुबह इस डियर को एक घास के पैच से दूसरे घास के पैच पर लेकर जाता है जहाँ पर ये आराम से बैठकर अपना पेट भर सकता है, और ये बच्चा रोज सुबह स्कूल जाने से पहले ये करता है, और ऐसे ही ये डियर सरवाइव कर रहा है। वो वापस जाते हुए भी इसे एक सेफ जगह पर छोड़ देता है ताकि रात को इसके ऊपर कोई रिस्क ना आए। नंबर 6। ये एक डेंटिस्ट के क्लिनिक के बाहर का फोटो है, वो भी 1920 का, और ये छोटा बच्चा इसके क्लिनिक के बाहर लायर लिख रहा है, यानी कि झूठा। दरअसल इसके डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं,
नहीं होगा। जबकि इस लड़के को दर्द हुआ क्योंकि ऑब्वियस ये बात है होना ही है, तो इसलिए इस बच्चे ने चौक से लायर लिख दिया नेमोफाय। आपने शार्क टैंक में कई सारे फाउंडर्स को देखा होगा कि वो बताते हैं कि पिछले कुछ टाइम में उनके करोड़ों रुपए की सेल्स हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन कंपनी के नाम आपको बेरली पता होंगे। और अभी ये खबर बाहर निकल रही है कि कई सारे फाउंडर्स अपनी सेल्स फेक बताते हैं, यानी कि वो जो नंबर बताते हैं कि हमने इतनी कमाई की है और हमारा इतना प्रॉफिट चल रहा है, वो काफी ज्यादा फेक होते हैं या फिर काफी मिस इंटरप्रेटेड होते हैं। और इसी वजह से कई ऐसी डील है जो कि शो में तो हाँ हो जाती है लेकिन ऑफ शो कट हो जाती है। नेमफोर, मधुमक्खी के पास दो पेट होते हैं, ये बहुत ज्यादा कम लोगों को पता है। उन्हें लगता है कि मधुमक्खियां फ्लावर से जो नेक्टर चूसती है उसी से उनका पेट भरता होगा, लेकिन ये बात गलत है। मधुमक्खियों के पास दो पेट होते हैं, एक में नेक्टर जाता है और दूसरे में खाना। मधुमक्खियां अपने सर्वाइवल के लिए खाती हैं और नेक्टर को छत्ते में वापस लेकर आती हैं, जिसका ही शहद बनता है। नेमत्री, येलो लाइट हमें सोने में मदद करती है। जब येलो लाइट देखते हैं तो धीरे धीरे हमें नींद आने लगती है, और वही जो ब्लू लाइट है वो हमें लगता है वो हमें जगा कर रखती है। और इसीलिए कई सारे स्मार्टफोन में नाइट लाइट का ऑप्शन होता है, और जिनमें ये ऑप्शन नहीं है उनके सेटिंग में जाकर डिस्प्ले को वार्म कलर में किया जा सकता है। इवन पीसी में ये ऑप्शन होता है, और इसका रीजन ये है कि इसे देखकर हमें नींद आ जाएगी और हम डिवाइस पर ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, इसलिए मोस्टली कंपनीज ये येलो लाइट ही देती है। नंबर टू, यार आज हम कई सारी चीजें यूज करते हैं और उन्हें देख के लगता है कि हम कितने हाईटेक हैं, लेकिन फ्यूचर तो इससे भी ज्यादा एडवांस होगा। जैसे सबसे पहले वीआर ग्लासेस हैं, जैसे आज हम रियलिटी को देखते हैं शायद फ्यूचर में वो वैसी नहीं होगी, और आज हम जैसे नॉर्मल ग्लासेस पहनते हैं उसके जगह पर शायद हम हर जगह पर स्मार्ट ग्लासेस या फिर वीआर ग्लासेस पहन कर जाएंगे, और कई जगह पर तो ऐसा हो भी रहा है। फिर अभी आप जो नॉनवेज खा रहे हो सकता है कि आप फ्यूचर में बस प्लांट बेस्ड नॉनवेज ही खाओ, यानी कि मीट जो कि प्लांट से बना हुआ है, क्योंकि नॉनवेज के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लैब ग्रोन मीट भी ज्यादा आसान है। फिर ये भी हो सकता है कि ज्यादातर लोग प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ स्विच हो जाए। स्मार्ट होम सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI असिस्टेंट जैसी कई सारी चीजें होने वाली है। इंस्टेंट फूड कस्टमाइजेशन और सबसे क्रेजी एडिबल पैकेजिंग जैसी चीजें भी आएगी, यानी कि पैकेट खोलने के बाद आप पैकेट को भी खा सकते हो, और इसके ऊपर कुछ कंपनियां अभी से काम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तो टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल और AI से रिलेटेड फील्ड में होगी। तो आपको क्या लगता है iPhone 20 कैसा होगा, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 1, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कभी लॉन्च ही नहीं हुए थे लेकिन वो होने वाले थे और शायद वो इंडस्ट्री बदल देते। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कुरी रोबोट की। एक ऐसा रोबोट था जो कि एकदम ह्यूमन इमोशंस को रिक्रिएट करने वाला था, यानी कि ये आपका पेट बनता और छोटे काम भी कर देता, लेकिन इसे लॉन्च ही नहीं किया गया। जब इसका काफी बड़ा अनाउंसमेंट भी किया गया था वो भी 2018 में, फिर माइक्रोसॉफ्ट कुरियर। अभी सैमसंग ने फोल्डिंग फोन्स लॉन्च किए, इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन ये काम माइक्रोसॉफ्ट करने वाला था वो भी 2008 में, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और अनाउंसमेंट के बाद इसे लॉन्च नहीं किया गया। पर आता है गूगल का एरा मॉड्यूलर फोन। 2013 में इसकी अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई थी और 2016 तक इस पर काम चल रहा था। एक ऐसा मॉड्यूलर फोन था जिसे आप टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सकते हो। आजकल के ये जो फोन आता है वो नॉर्मल होता है और छोटे मोटे अपडेट देते हैं और आप उसे अपडेट कर लेते हो, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन ये मॉड्यूलर फोन में आप पार्ट्स को निकाल कर दूसरे पार्ट्स ऐड कर सकते थे, जैसे कि आप फोन को मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। वैसे ही पाम फोलियो नाम का एक लैपटॉप लॉन्च होने वाला था जो कि चीजों को एकदम बदल देता था। जैसे कि आज आईफोन और फोन यूज होते हैं ये वैसे ही कुछ करने वाले थे, लेकिन तभी के टेक्नोलॉजी की वजह से ये पीछे रह गए और फिर इस कंपनी को किसी और ने खरीद लिया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आज जो आप फेमस प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पे ये चेहरे देखते हो ये आजकल कहाँ पे है? और ये जो हम घर के चूहों को मार देते हैं ये एक्चुअली में आपकी जान बचा रहे थे, लेकिन वो कैसे? और ये नंबर कहीं पे आपको गलती से भी दिख जाता है तो तुरंत आंखें बंद कर लेना। लेकिन ऐसा क्यों, वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी दबाओ यार, बहुत गजब वीडियो है। और हाँ, इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।